अभेद्य स्थित टाइगर रिजर्व को 1 नवंबर से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस संबंध में पर्यटन सत्र को खास बनाने के लिए अभी से तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। चूका पिकनिक और बाई फरकेशन सबको भाता है, पीटीआर स्वागत को आतुर पीलीभीत बुलाता है। पर्यटन गीत की इन लाइनों के साथ टाइगर रिजर्व नए लुक में पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार है। उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने बताया, इस बार पर्यटकों के लिए टूरिस्ट सर्किट में 15 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें चूका बीच, भीमताल, सब सरोवर, साइफन कैनाल जैसे काफी सारे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें टूरिस्ट आकर उस पॉइंट का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ महोफ में NIC डेवलप किया गया है, जिससे लोग वन्य जीव एवं वनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ चूका स्पॉट पर रहने की व्यवस्था को पूरे तरीके से रिनोवेट किया जा रहा है, जिससे COVID-19 के समय में पूरी सारी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए टूरिस्ट सेफली पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आ सके और टाइगर सफारी का, जंगल का आनंद उठा सके। जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर पूरनपुर और गोमती सहित 5 बुकिंग केंद्रों से सफारी गाड़ियां जंगल की सैर के लिए मिलेंगी। शारदा सागर जलाशय में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के साथ विदेशी मेहमान पक्षियों की कलरव सचमुच मंत्रमुग्ध कर देगी। फार्म हाउसों पर पर्यटकों का होम स्टे शुरू होने से प्रधानमंत्री का लोकल फॉर वोकल का सपना भी साकार होगा। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत।